अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ, कमाल कमाल कमाल, क्या कोफ्ते बनाए हैं बहू तूने, ऐसा लग रहा बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। थैंक यू चाचा जी। अनु तूने ऐसे कोफ्ते बनाए लग नहीं रहा कि तूने बनाए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगाए तुमने कोफ्ते, इधर सो गुड। मंगाए होंगे रेस्टोरेंट से। ओ, ना, ना, ना। काफी औरतें इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसा करती है। एक्सक्यूज मी बुआ जी, मैं आपके सर्कल वाली औरतों में से नहीं हूँ, मैं जो बनाती हूँ ना वो खुद बनाती हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे सर्कल वाली औरतें ऐसा करती हैं? नहीं नहीं, अभी अभी आपने ही कहा ना कि कुछ औरतें होती हैं जो सामने वाले पे इंप्रेशन जमाने के लिए रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेती हैं, तो आपके ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो अनु तुम ये कहना चाहती हो कि हम लखनऊ वाले एक नंबर के फेकू है? अब वो जी लखनऊ वालों को तो पता नहीं, लेकिन कानपुर वाले फेकू नहीं होते हैं। अरे यार क्या लेके बैठ गए तुम लोग यार, कानपुर से याद आया चाच कि कानपुर में मैराथन हो रही है, तो क्या आप दौड़ेंगे? अरे नहीं नहीं यार, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, तू दौड़ ले भाई। मैं नहीं दौड़ूंगा, 55 किलोमीटर है, मैं नहीं दौड़ूंगा। मैं नहीं दौड़ना, मैं नहीं दौड़ना। 5 किलोमीटर होता तो भी नहीं दौड़ते, मिश्रा खानदान के बस की बात है नहीं। एक्सक्यूज मी बहू, मिश्रा खानदान ने ऐसी बहुत सारी रेस जीती है, भागने के मामले में हम हमेशा टॉप पर है। हाँ जी, तो आपने बताया कि 3 बार भाग चुकी है। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा भागने से? नहीं नहीं, भागने से मतलब है कि जैसे कि पीटी उषा भागती है, हुसैन बोल्ट भागता है, वैसे हमारे खानदान वाले भागते हैं, they are good runners, you know? वैसे हमारे खानदान वाले तो भागने में अच्छे है ही, लेकिन बहू के खानदान वालों ने ऐसा क्या तीर मारा है जरा हम भी तो सुने। मेरे खानदान वाले तो अमेरिका में तीर मार रहे हैं। अच्छा, तो भैया ने भी तो लंदन में तीर मारे, क्यों भैया, है ना? बुआ जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, चाचा जी लंदन में तीर मार कर नहीं आए हैं, बल्कि उड़ता हुआ तीर लेकर आए हैं। चाचा जी, एम आई राइट और एम आई राइट? अरे मुझे तीर से याद आया यार, कचेड़ू, इस बार इंडिया ने यार ओलंपिक में तीरंदाजी में कोई मेडल वेडल लिया नहीं। हाँ यार, सच, इस बार तीर निशाने पे लगा ही नहीं। करेक्ट। अजय ना, तुझे पता है मैं बहुत अच्छी निशानेबाज थी, अगर मैं ओलंपिक में जाती ना तो मेरा हर तीर निशाने पर लगता। कौन से वाले तीर की बात कर रही हैं बुआ जी? वो तीर धनुष वाले तीर की कि नजरों के तीर की? तू कहना क्या चाहती है, मैं तुझे चालू लगती हूँ और तू ये कहना चाह रही कि मैं नजरों के तीर मारती फिरती हूँ? अरे अरे बुआ जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप छिड़ क्यों रही हैं? आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ अगर ये मजाक करूँ कि तुम यहाँ वहाँ नजरों के तीर मारती हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा है, मिश्रा खानदान की औरतों जैसी आदत नहीं है ना मेरी। तो क्या कहना चाहती हो तुम, मिश्रा खानदान की औरतें बेशर्म होती है, चालू होती है? अरे वो चालू से मुझे याद आया यार, बचपन में ना एक बार मैं घर से भाग गया और चालू डिब्बे में चढ़ गया था ट्रेन में। ओ माय गॉड, चाचा बहुत चालू है यार, चालू डिब्बे में चढ़ के चाचा है, सच्चा चालू गाय, यू नो। अच्छा एक बात बताऊं तुझे, चालू डिब्बे में चढ़ तो गया लेकिन इतनी भीड़ थी उस डिब्बे में कि आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा था। अच्छा अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरी पीछे वाली जेब से कोई पैसे निकाल रहा हो। पैसे निकालने की आदत तो विभू की है, विभू मुझे बता रहा था एक बार की ये चुराने की आदत उसे अपनी बुआ से गिफ्ट में मिली है ना विभू? अनु, खचेड़ू तो बचपन में मेरे साथ रहता था, तो अब तो वो तुम्हारे साथ रहता है 24 घंटे, तो मेरा ये मानना है कि ये आदत तो उससे मुझसे नहीं लगी है। तो आपका कहने का मतलब है कि विभू को चोरी की आदत मैंने लगाई है? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं यहाँ आकर विभू को चोरी करना सिखा रही हूँ? आपका कहने का मतलब है कि मैं चोर हूँ? चोर 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 चोर, शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है आधी रात, पता चाच आजकल शहर में ना बड़ी चोरी की वारदातें हो रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है तू, अब वो भाई यादराम के घर में चोरी हो गई यार, यादराम का लौटा चुरा के ले गए। यादराम का लौटा चुरा के ले गए? हाँ,
वो जो डिस्को डांस करता था वही 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 बताओ यार लौटा चुराई हो रही है लौटा लोग चुरा वैसे हमारे घर तो चुराने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि कमाने वाले तो मैं ही हूं ना एक अकेली विभू तो सिर्फ टाइम पास करता है अगर ऐसी बीवी मिलेगी उसे तो वो टाइम पास ही करेगा ना मुझे टाइम पास से यार याद आया वो हॉलीवुड की एक फिल्म आई है टाइम पास अरे अच्छा क्या टाइम पास फिल्म है यार मजा आ गया मैं सोच रहा हूँ वो टाइम पास फिल्म देखने चला जाऊँ टाइम पास कर रहा हूँ जिंदगी में काफी टाइम पास कर लिया वैसे आपने नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं यार इससे टाइम पास नहीं हो रहा है काम करता हूँ मैं टाइम पास कर ही आता हूँ एक काम करते हैं आप और मैं मिलकर टाइम पास करते हैं लगता है आपके पूरे खानदान ने ना ये टाइम पास फिल्म देखी है तभी सबके सब सिर्फ टाइम पास ही करते रहते हैं मैं मीठा होके आता मतलब मीठा लेके आता हूँ पता ना ही कहाँ रह गए लड्डू के भैया खाना भी ना ही खाए हैं जैसे नमस्ते नमस्ते टीका आओ बैठो खुश रहो तुम कहीं देखे का लड्डू के भैया को हाँ जी वो नुक्कड़ पे खड़े वो को क्लाइंट को वेट कर रहे हाय दिया ये भी कौन टीम है क्लाउन से मिलने का क्लाउन तो तिवारी भैया है मेरा मतलब जो आप क्लाइंट की बात कर रहे हो शायद ऐसे ही पकड़े हैं तुम बताओ कैसे आना हुआ कुछ खाओगे बस भाभी जी आजकल मेरे को भूख ही ना लगती है का है का हुआ तबियत ठीक बा तबियत तो ठीक है वो बुलबुल से प्यार जो है वो है तुमको प्यार हो गया है इश्क वाला लव आप भाभी जी हालत बहुत बुरी है रही है मैं खाना खाना बैठता हूँ ना तो मेरे को रोटी में वाको थोपड़ो नजर आता है हाँ मैं पानी पीता हूँ तो वह गिलास में भी बुलबुल को थोड़ा नजर आता है रास्ते में पैदल चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मुके साथ साथ चल रही है आई डियर टीका जब इतना प्यार करने लगे हो तो शादी कर लो ना फटाफट हाँ भाभी जी मैं तो यही चाहता हूँ लेकिन वो क्या है कि का वो बुलबुल के जो घर वाले है ना वो मुको एक्सेप्ट ना करेंगे क्योंकि वो मुझसे पूछेंगे कि अकेले क्यों आए हो अपने घर वालों को कौन लेके आए साथ में तो फिर क्या जवाब दूंगा मैं हाँ ये बात तो ठीक बाटी का तुम्हारे कौन घर वाले भी ना आए हैं कैसे ना आप उन लोगों के घर वाले तिवारी भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं आप मेरी बड़ी भाभी जैसे हो हाँ वो तो है हम है ना अब बल्कि हम तो सगे से भी बढ़कर हैं तो भाभी जी एक काम करो ना आप ही जाके वैसे बात कर लो बुलबुल मुको ना मिली ना भाभी जी तो मैं कभी शादी ना करूंगा नहीं नहीं टीका नहीं हम तुमको वो गलती नहीं दोहराने देंगे जो सक्सेना जी किए हैं तुम्हारा शादी होगा जरूर होगा तुम अकेले नहीं रहोगे हम कराएंगे तुम्हारा शादी बात पे तुमको कछु मीठा खिलाते हैं रुको खुश रहो लाते हैं कछु Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री